वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आपके साथ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपकी पूरी अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जर्नल एंट्रीज, वो मैं अपनी क्लासेस में आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। आज कुछ और एंट्रीज डिस्कस करेंगे और आपने बहुत ध्यान से प्रैक्टिकली सोचना है जर्नल के बारे में। हमेशा मैंने आपको एक ही बात बताई है, जर्नल आपको तब समझ आएगा जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एकदम टिप्स पर याद होंगे, तब आपको जर्नल आराम से क्लियर हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कशन करूंगा, पहला डेटर्स। मुझे पता है आप सब बच्चों को डेटर्स के बारे में पता है। दूसरा हम करेंगे क्रेडिट सेल्स, ये भी आप सब बच्चों को पता है। थर्ड टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का होगा आज, वो होगा बिल्स रिसीवेबल। जल्दी से बताइए, आप सबको आइडिया है ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या मैंने आपको करा दिया था बिल्स रिसीवेबल? फटाफट बेटा, मैंने आपको पहले इसका मीनिंग बताया था बिल्स रिसीवेबल का, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको याद है बिल्स रिसीवेबल क्या होता था? बस यस और नो में मुझे आंसर दीजिए, सो दैट अदरवाइज फिर मैं आपको कराऊंगा बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है। जल्दी जल्दी, अब आपने मेरे साथ जरा ट्रांजेक्शन समझनी है ध्यान से। किसी भी बच्चे का मैसेज नहीं आया है, इट मीन्स अच्छा करा दिया है मैंने। ओके, मैं अब आपको एक एक करके ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता हूं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आराम से करेंगे और एक नई जनरल एंट्री सीखेंगे। ये है आपका बिजनेस जिसके आप अकाउंट्स बना रहे हो। बिजनेस ने क्या करा है? बिजनेस ने उधार पर क्रेडिट पर सामान बेचा है, क्रेडिट सेल्स रुपीज 5 लाख। दोस्तों क्रेडिट में सेल करा है 5 लाख का, और ये सेल किसको करी है बिजनेस ने? ये करी है राम को। तो राम को 5 लाख रुपए का सामान बेचा है। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे, हम राम को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए बेटा, राम को आप अकाउंट्स में क्या बोलते हो? क्रेडिट में सेल्स करी है, उधार पे बेचा है, तो हम राम को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए फटाफट, आई एम वेटिंग। एक ही बच्चे का आंसर आया है बेटा। अदिति फटाफट रिप्लाई करो, धान्या का आंसर आ गया, वेरी गुड अदिति। तो राम को क्या बोला जाता है? डेटर। और आप सबको पता है डेटर हमारी क्या होती है? डेटर हमारी होती है असेट्स। तो 5 लाख का आपने सामान बेचा और उधार पे बेचा है, इसलिए राम कौन हो गया? डेटर। डेटर बढ़ गए, डेटर क्या हो गए? बढ़ गए। अगर असेट बढ़ती है, असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और आपके पास से क्या चला गया दोस्तों? आपके पास से क्या चला गया? गुड्स चले गए। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जाते हैं तो क्रेडिट। अब मैं आपको इसकी जर्नल करके दिखाता हूं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे राम। अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, राम हमारा कौन है? डेटर। अकाउंट डेबिट, हमने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 5 लाख। मुझे एक बात बताएं, नीचे मैं टू गुड्स लिखूंगा बेटा? फटाफट, मैं गुड्स लिखूंगा या मैं सेल्स लिखूंगा? जल्दी से आप बताएंगे मुझे। मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें करा रखी हैं। जल्दी से हातिम का आंसर आ गया, वेरी गुड। दोस्तों गुड्स नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। तो गुड्स की जगह हम या तो परचेज लिखते हैं या हम लिखते हैं सेल्स। नरेशन, वेरी गुड एवरीवन। बीइंग गुड्स सोल्ड,
ऑन क्रेडिट। पहली ट्रांजेक्शन आप सब बच्चों को समझ आ गई, अब कहानी को आगे लिख के चलते हैं। दोस्तों ये जो हमने सामान बेचा है उधार पे, ये जो सामान बेचा है उधार पे, ये हमने 3 महीने का उधार पे बेचा है। 3 months का क्या है उधार, इट मीन्स पैसे कम मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे। तो आज मान लेते हैं आज हमारी डेट है 8th of July, आज हमने सामान बेचा है और पैसे कब मिलेंगे, 3 महीने बाद। अब आप सामान तो दे के आ गए दोस्तों, आप खाली नहीं आओगे, यानी आप समझो आज डेट है 8th of July, आपने सामान तो दे दिया राम को, सामान चला गया राम के पास, बट आप खाली नहीं आओगे, राम भी आपको उसके बदले कुछ रिटर्न में एविडेंस देगा। रिटर्न में क्या देगा, कुछ रिकॉर्ड देगा जिसमें साफ लिखा होगा कि मैं आपको 5 lakh rupees वापस करूंगा आफ्टर 3 months। इट मींस आपके पास एक रिटर्न में राम आपको क्या देगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देगा। डॉक्यूमेंट का मतलब ये एक एविडेंस है, सबूत है। किस बात का सबूत है कि राम आज से 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद राम आपको कितने पैसे वापस करेगा, राम आपको 5 lakh rupees वापस करेगा। तो ये जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, ये जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इस कागज को आप क्या बोलते हो, इस कागज को बोलते हो आप बिल, इसे क्या बोलते हो बिल। अब क्योंकि हमारे पास ये बिल आ रहा है इसलिए हम बोलेंगे इसको बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। और राम के पास से ये कागज जा रहा है, राम ये कागज जा रहा है, तो राम इसको बोलता है बिल्स पेबल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिसीवेबल और पेबल। जल्दी बताइए हम अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं बिजनेस के। तो बिजनेस को ये कागज मिल रहा है, कितने का कागज है, 5 lakh rupees का कागज। वेरी गुड धान्य, इसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल और इसे बोला जाता है बिल्स पेबल। मान लो ये है वो कागज, इस कागज को फोल्ड कर देते हैं हम, और इस कागज में लिखा हुआ है, इस कागज में लिखा है कि राम आपको कितने पैसे देगा, 5 lakh rupees। और ये कागज ये राम के पास था, ये कागज किसके पास आ गया, ये कागज आ गया हमारे पास। दोस्तों इस कागज में एविडेंस है 5 lakh rupees मिलेंगे 3 महीने बाद। हम अब एक छोटी सी बात करेंगे आपसे, हमारे पास ये कागज आया, आप मुझे बताओ इस कागज की एंट्री क्या होगी। दोस्तों जर्नल एंट्री क्या होगी, कागज आया हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कागज है इस कागज का नाम क्या है, BR। पहला क्वेश्चन, मेरे लिए कागज क्या है, दोस्तों मेरे लिए असेट है, मेरे लिए क्या है ये असेट, मुझे इससे फायदा मिलेगा, 5 lakh rupees मिलेंगे इस कागज से, मुझे पैसा मिलेगा। और अगर असेट बढ़ता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मेरे पास कागज आ गया और उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट। ये कागज कहाँ से आया है, राम से आया है। और राम आपको पता है, राम मेरा कौन था बेटा, याद करो राम मेरा कौन था, डेटर। डेटर ने एक कागज दे दिया, बिल्कुल वैसे मान के चलो जैसे ये चेक है बेटा, राम से हमने कागज ले लिया, चेक ले लिया। अगर राम से आपने चेक ले लिया, क्या कहते हो, डेटर प्लस होंगे या माइनस, सोच के बताओ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, डेटर प्लस होंगे या माइनस। चेक मिल गया मुझे, जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे फटाफट, वेरी गुड, चेक मिल गया तो यानी कागज मिल गया, डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अगर असेट माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब सर जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी बिल्स,
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 5 लाख। हमें चेक मिला है, एक कागज मिला है 5 लाख का। टू, किससे मिला है? डेटर से। मैं पूरा नाम लिखूंगा जैसे मैंने ऊपर लिखा था, राम ऑब्लिक डेटर अकाउंट। कितने का मिल गया? 5 लाख। आपको एक एक टॉपिक इतना ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इसके ऊपर मैं आपको जर्नल में पढ़ा रहा हूं, मगर इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैं आप बच्चों को यह भी बता देता हूं, चैप्टर का नंबर है बिल ऑफ एक्सचेंज 17 नंबर है। टीएस ग्रेवाल सर के बुक में अलग से चैप्टर है, तो हम वहां पे अब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। मैंने आज पढ़ा दिया, इट मींस आपको चैप्टर नंबर 17 में अपने आप समझ आ जाना चाहिए। नरेशन, बीइंग, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। दोस्तों मेरे लिए बिल हो गया, मेरे लिए बी आर रिसीव्ड हो गया। आपने ये तो बता दिया कि सर हमारे लिए बी आर क्या है? एक असेट है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो राम के लिए ये जो बिल्स पेबल हुआ, सोच के बताओ राम के लिए असेट हुआ या लाइबिलिटी? वैसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं दोस्तों, राम के लिए क्या हुआ जल्दी से बताओ, राम के लिए क्या बन गई है? वेरी गुड, राम के लिए क्या बन गई है? एक लाइबिलिटी बन गई। राम को पैसा देना था 5 लाख रुपए का। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ 3 महीने, 3 महीने बाद डेट क्या आएगी? दोस्तों आज 8 जुलाई है, 3 महीने बाद डेट क्या आएगी जल्दी से बताएं। आफ्टर 3 मंथ्स, आज 8 तारीख है, 3 महीने बाद डेट आएगी 8/10/2021, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ये है आपका बिजनेस, और बिजनेस के पास क्या है? बिजनेस के पास ये कागज है बेटा, बिजनेस के पास क्या है? ये कागज है। कितने का कागज है जल्दी से बताइए मुझे, ये बिजनेस के पास कितने का कागज है? फटाफट एकदम प्रैक्टिकली बेटा, कागज कितने का है ये वाला? ये कागज कितने का है जल्दी से बताएंगे स्पीड से, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, हमारा एक और चैप्टर इसके साथ खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो कागज है 5 लाख का, 3 महीने बाद आ गया 8/10। ये कागज लेके हम पता है कहाँ जाएंगे दोस्तों? ये कागज लेके जाते हैं हम राम के पास। बस यही डिफरेंस होता है, अगर ये चेक होता, ये चेक होता तो मैं इसको लेके पता है कहाँ जाता? बैंक के पास। बट अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इस कागज को लेके जाऊंगा राम के पास, यानी ये कागज कहाँ चला गया? राम के पास। याद रखना सर, कागज चला गया और राम, कागज तो चला गया यानी हमारे पास जो बिल था वो बिल चला गया राम के पास, उसके बदले राम मुझे क्या देगा? अब आप मुझे बताइए उसके बदले मुझे राम क्या देगा जल्दी से दोस्तों? राम उसके बदले मुझे क्या देगा? उसके बदले वो मुझे कैश देगा। वेरी गुड हातिम, इसका मतलब आप बच्चों को बात मेरी समझ आ गई है, कैश देगा। मेरे पास से क्या चला गया? मेरे पास से क्या चला गया? कागज चला गया। कितने का कागज था? 5 लाख का। कागज गया और क्या मिला उसके बदले? कैश। चलिए, कैश क्या है? असेट। बिल्स रिसीवेबल भी क्या है? असेट। कैश असेट बढ़ता है तो डेबिट, और असेट अगर कम होता है तो क्रेडिट। मैं जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैश आ गया 3 महीने बाद। टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख, बीइंग बिल रिसीवेबल ऑनर्ड
ऑनर्ड लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं मेट, या हम लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी बिल की एंट्री सारी की सारी खत्म हो गई। याद रखना बिल रिसीवेबल क्या है, एक एविडेंस है दोस्तों, ये कागज क्या है, एक एविडेंस है, इस बात का सबूत है कि आपको राम से कितने पैसे लेने हैं, राम से लेने हैं 5 लाख रुपए। तो ये हमारी हो गई बात खत्म। नाउ इट्स टाइम फॉर योर डाउट सेशन। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, और क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी डिस्कशन हमारी दोबारा से होगी। चैप्टर नंबर 17 है टीएस ग्रेवाल सर के बुक का, उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है चैप्टर का नाम, बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैंने आपको बता दिया, आज बता भी दिया मैंने आपको, बिल हमारे पास या तो होता है बिल रिसीवेबल या होता है बिल्स पेबल। और मैंने क्या बताया आपको, बिल रिसीवेबल हमारी असेट है और बिल्स पेबल क्या है, हमारी लायबिलिटी। अगर आपको आज की क्लास में एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया है तो इस चैप्टर के अंदर हम जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ये बात मेरी समझ आ गई है। ये बात अगर आपको मेरी समझ आ गई है तो मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, सपोज टेक एन एग्जांपल, सपोज आपको ये बोला जाए कि आप राम के अकाउंटेंट हो, इट मींस आप किसके अकाउंटेंट हो, राम के, और क्या आप राम के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज बता सकते हो। यानी अब आपने बिजनेस नहीं सोचना, आपने सोचना है कि राम के हिसाब से जर्नल एंट्री। अब लगाएंगे दिमाग ध्यान से। सबसे पहली ट्रांजैक्शन 8 जुलाई को हुई थी, राम ने सामान कहीं से खरीदा था। दोस्तों अब आप राम के अकाउंटेंट हो, राम ने सामान खरीदा था, राम ने सामान खरीदा था, तो राम पता है क्या बोलेगा, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। राम ने सामान परचेज किया था, किससे खरीदा था, जल्दी से बताइए। 2 बेटा बिल्कुल रिवर्स एंट्री करनी है, पहले सेल किया था और राम ने क्या करा, परचेज किया। तो ये सामान किससे खरीदा, राम ने साईं विनायक से, मान लेते हैं बिजनेस से खरीदा। कितने का सामान था, 5 लाख। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, आपने गुड्स खरीदे हैं मगर ऑन क्रेडिट। बस अब आपको दूसरे एंगल से सोचना है, सर उसने तो सामान बेचा था, ये कौन है यहाँ पे बिजनेस, इसने सामान बेचा था मगर इसने तो सामान खरीदा था, परचेज टू बिजनेस। फिर बताओ दूसरी ट्रांजैक्शन, 8 जुलाई को एक और ट्रांजैक्शन हुई थी, राम ने क्या दिया था, राम ने कागज दिया था, आप राम के अकाउंटेंट हो, राम ने कागज दिया था, उस कागज को पता है क्या बोला जाता था, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या बोला जाता था, बिल्स पेबल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता था बिल्स रिसीवेबल, मगर इस टाइम मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बस आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गया, बिल्स पेबल। जल्दी बताओ बेटा, बिल्स पेबल असेट है लायबिलिटी है, आप बच्चे मुझे बताएंगे, बिल्स पेबल असेट थी लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल थी लायबिलिटी, वेरी गुड। और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, याद है आपको, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपने बिल्स पेबल दिया तो आप एंट्री पता है क्या करोगे, आप लिखोगे 2, लायबिलिटी बढ़ रही है, बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख। और ऊपर पता है किसका नाम लिखोगे, ऊपर नाम लिखोगे आपने ये कागज किसे दिया था, बिजनेस को, बिजनेस का जो भी नाम है साईं विनायक एक्स्ट्रा जो भी है उसको आप डेबिट कर दोगे 5 लाख। ये एंट्री होगी बिल्स पेबल। लास्ट एंट्री 8-10 को,
लास्ट एंट्री बहुत ध्यान से देखेंगे, 8 10 3 महीने बाद ये कागज बिजनेस के पास था। ये कागज किसके पास आ गया? राम के पास। कागज आ गया राम के पास, और राम की जेब से क्या गया? जल्दी से बताओ, राम ने क्या दिया था बिजनेस को? राम ने दिया था अपनी जेब से कैश। कैश क्या होगा? माइनस। अब आप मुझे इतना बताओ, कैश अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? कैश अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। जैसे सर यहाँ पे कैश डेबिट किया था, कैश आ रहा था, राम क्या करेगा? कैश को क्रेडिट करेगा। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल कराया है आज की क्लास में, होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो कैश चला गया, कितना कैश चला गया? 5 लाख। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ लिखा था BR। तो अब आप ऊपर क्या लिखोगे? यहाँ पे BR नहीं लिखोगे, आप लिखोगे BP अकाउंट, लाइबिलिटी खत्म। दोस्तों BP को डेबिट करेंगे 5 लाख से, हमारी BP लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में इस चैप्टर का भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और मैंने आपको समझा दिया दोनों तरफ से क्या एंट्रीज होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक अलग से टॉपिक, और इसके आंसर्स आप सारे बच्चे देंगे जल्दी जल्दी। मुझे एक बात बताओ, मैंने गुड्स परचेज, आप सबने चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹1 लाख। आपने गुड्स परचेज करे हैं मोहन से। मैंने आपको हमेशा बताया है, कभी भी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना आपने क्रेडिट पे खरीदा है। बेटा एंट्री आप सब चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसकी एंट्री क्या होगी। गुड्स परचेज 1 लाख के गुड्स परचेज करे हैं मोहन से, एंड आई एम वेटिंग। अदिति का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड। धान्य बेटा पूरा लिखना है, धान्य फटाफट, आई एम वेटिंग। गुड्स परचेज कर रहे हैं रिया, जल्दी जल्दी आकांक्षा आंसर करो फटाफट। परचेज अकाउंट डेबिट 2, रिया का आंसर भी आ गया 2। किसका नाम लिखेंगे? मोहन का। बेटे मोहन का नाम लिखेंगे, वो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए यहां लिख देता हूं कि मोहन हमारा कौन है। मोहन है हमारा क्रेडिटर। हातिम सकीना स्पीड से, आपने सामान खरीदा है मोहन से, कितने का सामान खरीदा है? 1 लाख। और मोहन हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर। आपने गुड्स खरीद लिए मोहन से। नेक्स्ट, 1 लाख का आपने सामान खरीदा मोहन से। अब हुआ क्या? कुछ सामान डिफेक्टिव हो गया। आपने सामान किससे खरीदा था? आपने सामान खरीदा था मोहन से। दोस्तों कुछ सामान हो गया डिफेक्टिव, इस वजह से आपने वो सामान क्या कर दिया? वो सामान आपने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको कर दिया? मोहन को, क्योंकि सामान गलत खराब था, डिफेक्टिव था, तो आपने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब आप पता है इसे क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। पहले परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न। और मैं आपको बता देता हूं, ₹20,000 का सामान आपने वापस कर दिया, परचेज कर दिया। तो परचेज रिटर्न की सर क्या जनरल एंट्री होती है? जरा ध्यान से समझेंगे अब इसकी एंट्री आंसर। मुझे जो ऊपर एंट्री करी है फ्रेंड्स, बस इसी एंट्री को रिवर्स करूंगा। मैंने ऊपर जो एंट्री करी है परचेज की, मैं बस इसको रिवर्स कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। मोहन को मैं कर दूंगा डेबिट, मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। मोहन क्रेडिटर्स अकाउंट
डेबिट, कितने का सामान मैंने वापस कर दिया? 20,000 का। टू, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सामान मैंने वापस कर दिया है। दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न अकाउंट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव। और परचेज रिटर्न का एक और भी नाम होता है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा। परचेज रिटर्न का एक और भी नाम होता है, किसी को पता है क्या नाम होता है? हातिम, वेरी गुड। इसको बोलते हैं, देखो सामान बाहर जा रहा है बेटा, आपसे सामान कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो आप इसको बोलोगे ये रिटर्न है। बट सामान क्योंकि बाहर जा रहा है तो आप सारे बच्चे बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है। और एंट्री समझे, परचेज को बिल्कुल उल्टा करना था, खत्म। क्या आप मुझे बता सकते हो आज की डेट में मोहन, मुझे मोहन को कितना पैसा देना है? एनीवन, क्या आप मुझे बता सकते हो प्रैक्टिकली? दो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, आपने सामान खरीदा था वापस कर दिया, कितना पैसा अभी भी आपको मोहन को देना पड़ेगा? जल्दी से बताएं। आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। प्रैक्टिकली सोचो आप, बाकी सारे बच्चे, कितना सामान पैसे अभी भी आपको देने हैं? धान्या, आतिम, वेरी गुड। आप सब बच्चों को पता चल गया सर, 1 लाख का सामान खरीदा था, उसमें से 20,000 रुपये आपने वापस कर दिए। इसका मतलब अभी आपको उसको कितना पैसा देना है? आपको देना है उसको 80,000 रुपये। वो कौन है? वो आपके क्रेडिटर हैं, तो आपको 80,000 रुपये देने हैं उसको। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। हमें 80,000 रुपये अभी भी उनको देना है, और यहाँ लिखा है पेमेंट। अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं, पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक, पैसे देने थे 80,000, आपने चेक से पेमेंट करी है 79,000। पेमेंट मेड बाय चेक 79,000, और यहां लिखा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है सारा हिसाब किताब खत्म। देने थे 80,000, दिए सिर्फ 79,000 है, बट फुल सेटलमेंट का मतलब अब कुछ नहीं देना, सारा हिसाब किताब खत्म। पहले मुझे बताइए, 80,000 देने थे, आपने सिर्फ 79,000 दिए, पहले ये बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? बेटा जल्दी से बताओ, 80 देने थे, दिए सिर्फ 79,000, रिया फटाफट बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ, पता है कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज का। इस प्रॉफिट को मैंने आपको पहले बताया था, आज दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। इस प्रॉफिट को बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट मिला है आपको। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट मिला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे बैंक के अंदर बेटा, मेरे बैंक के अंदर बिजनेस है, मेरे बैंक के अंदर प्लस होगा या माइनस होगा? मैं वेट कर रहा हूँ आप सब बच्चों का। मेरे बैंक के अंदर जब मैं पेमेंट करूंगा, बैंक के अंदर प्लस होगा या माइनस होगा? जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्पीड से बताओ। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, पता है कितना पैसा जाएगा? क्रेडिटर थे, क्रेडिटर का क्या नाम था? मोहन। दोस्तों ये बता, क्रेडिटर प्लस होंगे या क्रेडिटर माइनस? ये वाला पॉइंट और बताइए आप, क्रेडिटर के बारे में, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं या क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे? क्रेडिटर
क्रेडिटर्स प्लस होंगे या क्रेडिटर्स माइनस होंगे? ऑफ कोर्स सर, पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे बेटा, पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। और क्रेडिटर पता है कितने से खत्म होंगे? पूरे 80,000 से, पूरे 80,000 से, क्योंकि वहां क्या लिखा था? फुल सेटलमेंट। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, प्रॉफिट फ्रेंड्स, प्रॉफिट हमारी क्या है? इनकम है। इनकम प्लस होती है तो क्या करते हैं? इनकम प्लस होती है, जल्दी बताओ क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड। बैंक असेट है, असेट माइनस हो रही है, असेट माइनस होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड, आपको रूल्स याद होने चाहिए। दोस्तों, क्रेडिटर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी माइनस होती है तो क्या करते हैं? लायबिलिटी माइनस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। अब हम एंट्री करते हैं, जरा ध्यान से एंट्री में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोहन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 80,000 से। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, आप बच्चों को बस दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकली सोचना है आपने। टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जाएगा 79,000। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमें इनकम हुई है, कितने की इनकम हुई है? 1,000। बीइंग क्रेडिटर्स पेड, ध्यान से, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, हमारी एंट्री खत्म हो गई इसके अकॉर्डिंग। चलिए, अगेन क्वेश्चन गोज टू यू, एनी डाउट्स?